कैथोलिक सड़कें लगभग सभी ठीक हैं। सरकार के सामने मैंने अपनी दिल खोल के पूरी मांगे रख दी कि जो भी सड़क हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी वो सभी मंजूर की गई हैं। मेरा टारगेट भी यही है कि कैथल में मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी बन कर के तैयार हो। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाएगी। विधानसभा में कैथल के कई मुद्दे उठे, तो आज हमारे साथ कैथल विधायक लीलाराम मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर वहां चर्चा हुई और क्या कुछ कैथल हलके को मिला है। नमस्कार जी। विधानसभा का स्तर बहुत सद्भावना पूर्ण माहौल में चला और हर विधायक ने अपने अपने हलके की बात वहां पर रखी और इससे बढ़िया मंच किसी विधायक के लिए हो भी नहीं सकता। हमने भी कैथल की अनेकों मांग आदरणीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सरकार के सामने रखी और इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये है कि ठीक जिस प्रकार 2 साल पहले कैथल जिले को मेडिकल कॉलेज के रूप में बड़ी सौगात मिली थी, इस बजट सेशन में हमने कैथल के अंदर कैथल के लिए 125 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे ट्रैक एलिवेटेड की सौगात हमें मिली है, जो बहुत मंजूर की है सरकार ने और बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा क्या कुछ कैथल को मिला है? कहीं आपने चर्चाएं भी की, मंडी को लेकर भी कहीं बातचीत? हमने सरकार के सामने मैंने अपनी दिल खोल के पूरी मांगे रख दी। जैसे कैथल शहर को सब्जी मंडी की ज़रूरत है और मेरी मंत्री जेपी दलाल जी से और मार्केटिंग बोर्ड के सीए से भी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कैथल को जल्दी नई सब्जी मंडी बना करके देंगे। ठीक इसी प्रकार से सड़कों के बारे में बात हुई और मैंने पिछले दिनों जिक्र भी किया था कि जो भी सड़क हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी वो सभी मंजूर की गई हैं। इस बजट स्तर में भी पड़ला गांव से लेकर के बबलदाना तक बनने वाली सड़क है 5-6 करोड़ में बनेगी, वो मंजूर हुई या नहीं, और इस सड़क के बनने के बाद कैथल के गांव से गांव में जोड़ने वाली एक भी सड़क कच्ची नहीं रही है, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। और इसके अलावा भी मैंने जैसे मानस बड़ा गांव है, मानस की सड़कें तो सारी बन करके लगभग तैयार हो गई हैं। मानस गांव के लोगों की मांग थी कि वहां लड़कियों का 10+2 का स्कूल होना चाहिए अलग से, वो मांग मैंने वहां रखी है। मानस गांव में ही स्टेडियम की मांग मैंने सरकार के सामने रखी है और मानस गांव में ही कम्युनिटी सेंटर की मांग रखी है। जैसे सजुम्मा गांव बड़ा गांव है, पिछले विधानसभा में भी मांग रखी थी कैथल शहर से लेकर के कैथल ड्रेन या कुतिपुर ड्रेन की पटरी है इसकी सड़क बनाने की मांग रखी है और जो लगभग बनकर के तैयारी हो जाएगी। सजुम्मा गांव में पीएचसी सेंटर अभी तक नहीं था, वो सरकार ने मंजूर किया है कि कैथल सजुम्मा गांव के अंदर पीएचसी सेंटर बनकर के तैयार होगा, वो मंजूर किया है सरकार ने। और वहीं पर सजुम्मा के अंदर कैनाल बेस वाटर वर्क्स है जो पूरा डेड हो गया था, वो भी सरकार ने नए सिरे से मंजूर किया है। और ठीक इसी प्रकार सैनी समाज का भवन की मांग हमने रखी थी, वो भी सरकार ने मंजूर किया है। सजुम्मा गांव में कश्यप समाज के भवन की मांग रखी थी, वो भी सरकार ने मंजूर की है। विधायक जी, आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा है सड़कों पर जो गड्ढे बने हैं उनको लेकर, तो कब तक ये गड्ढे भरे जाएंगे, कब काम शुरू होगा? ये तो मैं कहूँगा हमारा सौभाग्य ही समझ ले, कैथल की सड़कें लगभग सभी ठीक हैं। थोड़ी सी सड़कें अब जैसे मानस वाली सड़क है, सजुम्मा वाली है, उनमें गुलाची का तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, हमारी खानपुर तक बहुत अच्छी सड़क है तो, और वो भी सड़क बनेगी क्यों, सरकार ने हर हलके को 25-25 करोड़ रुपये दिए, कैथल के भी 25 करोड़ रुपये आ गए हैं, 15 करोड़ के लगभग आ गए हैं और 10 करोड़ और आ जाएंगे। आप देखेंगे कि पूरे अप्रैल महीने के बाद 15 मई के बाद शायद कोई भी सड़क में खड्डा नहीं रह जाएगा। विधायक जी, राहुल गांधी की सदस्यता है रद्द कर दी है, क्या कहूँ? राहुल गांधी जी की सदस्यता, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और किसी भी चाहे वो सांसद है विधायक है, जब किसी को कोर्ट दोषी ठहरा देता है उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर साहब और चाहे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं
और नियमानुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, करनी पड़ती है। अब जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री को कायर कह दिया है। देखो ये तो प्रियंका जी जाने, वो कांग्रेस की नेत्री है, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, परंतु मैं ये हिंदुस्तान का सौभाग्य मानूंगा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की आप बात छोड़िए, पूरे विश्व के अंदर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की पूरे विश्व में पहचान बनाने का काम किया है। हम तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तो कोई पैदा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को तो इस देश को नरेंद्र मोदी जी का ऋणी होना चाहिए। विधायक जी, मिशन 2024 को लेकर सभी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं खड़ी हो गई हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, आपको आप क्या कहोगे मिशन 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? कौन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लिए पूरी तैयारी है, और जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी है, और हम विकास के आधार पर वोट मांग करके आप देखेंगे तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। विधायक जी, कैथल से भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी, आपको मिलेगी या कोई और जो उम्मीदवार है वो मैदान में आए? देखो अभी चुनाव में 1.5-2 साल बाकी हैं, और हर कार्यकर्ता का हक है, वो टिकट मांग सकता है, परंतु मेरे को पूरी 100% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अपनी कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के सामने अपनी बात रखूँगा, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाएगी। परंतु मैं ये भी कहूँगा कि मेरे कई साथियों के मैंने खुद देखे इंटरव्यू आए हैं, चाहे इनके अलावा भी पार्टी अगर किसी भी कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारेगी मैं उनके लिए भी काम करूँगा। तो क्या कुछ विकास के मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे दोबारा से? नहीं, विकास की तो यही बात है, हम लोगों को जो सरकार ने मंजूर किए हुए हैं जैसे कि मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम के नाम से, ये कैथल हल्का का नहीं, कैथल जिले का सबसे बड़ा एक सौगात है, और मेरा टारगेट भी यही है कि कैथल में मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी बनकर के तैयार हो। केवड़क गांव है, जैसे मेरी सोच है कि उसको सब तहसील बनाया जाए। इस प्रकार के मुद्दे, पीने के पानी, गलियां, सड़कें, ये बात तो आम है, चलती रहती हैं, और सरकार पूरे जोर शोर से इनको पूरा करने में भी लगी हुई है। तो आपकी अगर बात करें गाँव के दौरे कब से शुरू कर रहे हो आप? नहीं, हम तो गांव में लगातार जाते ही रहते हैं, और मेरा गांव में आना जाना लगा रहता है, चाहे वो ब्याह शादी की बात होती है, कहीं कोई डेथ होती है, या कोई इन कोई बुलावा आ जाता है, तो लोगों को मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मैं अपने मकान पर भी लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ, सवेरे लोग आ जाते हैं, शाम तक उनके साथ बैठते हैं, किसी का टेलीफोन करना होता है, किसी की कोई स्लिप बनानी होती है, और किसी के साथ जा कर के भी, मैं इसमें गुरेज नहीं करता, मैं DC, SP इन अधिकारियों के पास खुद चल जा कर के लोगों के काम करवाने की मैं भी हिम्मत रखता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कैथल विधायक लीलाराम जी, जिनसे तमाम बातों को लेकर हमने बातचीत भी की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।